बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था, स्थल में ही हुआ बड़ा विस्फोट। विस्फोट में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल भी हो गए थे, जिसके बाद 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। और आतिशबाजी के लिए गए इंस्ट्रूमेंट में विस्फोट से हुआ बड़ा हादसा। सूचना के बाद जब डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, शहर कोतवाली क्षेत्र के चित्रकूट इंटर कॉलेज में चल रहा था 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव दिवस। चित्र महोत्सव में हुए हादसे काल के गाल में समाये हुए 4 लोगों की निशानी शिनाख्त देर रात शाम को हो गई थी, और मृतकों की हुई शिनाख्त करबी के मिशन चौराहा निवासी प्रभात पुत्र धर्मेंद्र करबी, माफी के विद्यानगर निवासी यश पुत्र विश्व प्रताप, पारस पुत्र कंसराज व मोहित पुत्र मुकेश के रूप में हुई है। यह चारों छात्र थे और महोत्सव में घूमने गए थे, जहां चारों लोग दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए थे। कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा चित्रकूट इंटर कॉलेज चित्रकूट में आयोजन कराया जा रहा था, जिसमें रात्रि में आतिशबाजी का कार्यक्रम भी आयोजित होना था, जिससे संबंधित आतिशबाजी सामग्री से दिनांक 14/2/2024 को अपराह्न लगभग 3:10 बजे विस्फोट हो जाने के कारण 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त घटित घटना में दुख व्यक्त किया गया तथा मृतकों के परिजनों को मुआवजा 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा भी की गई। उक्त एवं उपरोक्त घटना के संबंध में एडीजी जोन प्रयागराज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच कराए जाने निर्देश दिए गए व सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कठिन अधिक कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी या की जा रही है। हादसे का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्वयं जो है इसका संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा भी है कि दोषियों के खिलाफ इस प्रकरण बड़े प्रकरण में एफआईआर दर्ज होगी। इस हादसे से संबंधित सभी दोषियों पे होगी कठोर कार्रवाई। ये डीजी की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस पूरे प्रकरण की जाँच करेगी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं, और जो गंभीर घायल हो गए थे उनको 50,000 देने के निर्देश, एवं हादसे में सभी घायलों का उपचार भी निशुल्क किया जाएगा। चित्रकूट इंटर कॉलेज में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान हुए विस्फोट से 4 बच्चों की मौत के बाद शहर के पटेल तिराहा में अधिवक्ताओं ने राज्य मार्ग में भी लगाया जाम। महोत्सव में हुए विस्फोट हादसे में काल के गाल में समा गए 4 लोगों की मौत के मामले में सदर करबी से सपा विधायक अनिल प्रधान पहुंचे जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर व्यक्त की शोक संवेदना। सपा विधायक अनिल प्रधान पीएम होने से पहले तत्काल प्रभाव से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की प्रशासन से की मांग। मृतकों में करबी के मिशन चौराहा निवासी प्रभात पुत्र धर्मेंद्र करबी, माफी के विद्यानगर निवासी यश पुत्र विश्व प्रताप, पारस पुत्र कंसराज व मोहित पुत्र मुकेश के रूप में हुई है। ये चारों छात्र थे और साइकिल से महोत्सव घूमने गए थे। चित्रकूट में हुए हादसे दर्दनाक हादसे का एडीजी जोन भानु भास्कर का भी बयान जारी है, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया। लगातार इस हादसे का जांच कमेटी के माध्यम से भी हो रही है, और यह रिपोर्ट जो है चित्रकूट समाचार एवं अनुज हनुमत जी के माध्यम से लगातार उनके सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके पर्सनल अनुज हनुमत आईडी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रदान हो रही है। धन्यवाद।